दोस्तों आज हम लोग वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं और जो भी हम एडिट करने वाले हैं वो आप भी अपने खुद के फ़ोन से कर सकते हो। कोई आपको महंगा फ्लेक्सी पीसी या लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे शूट करना है, कौन सी जगह पर शूट करना है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डालने, एनिमेशन कैसे डालने और साउंड कैसे डालने है। तो सब कुछ हम लोग बताने वाले हैं वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप सीख नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो को शूट कैसे करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ, मॉडल को सैड होने की एक्टिंग करनी है। यहाँ पर मैं तुम ही आना सॉन्ग डालने वाला हूँ, इसके लिए सैड एक्टिंग करनी है और सैड वीडियो शूट कर लेना है। तो दोस्तों हमें डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल लेके अलग अलग वीडियो क्लिप शूट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो यूज़ कर रहा हूँ वीडियो शूटिंग के लिए। सारे के सारे वीडियो मैं स्लो मोशन के अंदर शूट कर रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन में स्लो मोशन नहीं है तो आप काइनमास्टर का यूज़ करके स्लोमो ऐड कर सकते हो, स्लो मोशन और फास्ट मोशन। और दोस्तों वीडियो को स्लो फास्ट कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग कैसे करना है वीडियो के अंदर। सो गाइस 3D लाइट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन के लिंक से। फिर हमें लॉगिन कर लेना है कोई भी एक गूगल अकाउंट से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों हमें ओपन गैलरी के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें कोई भी एक वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट और सेचुरेशन को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा कम कर दूंगा और सेचुरेशन को हमें बढ़ा देना है और ब्लैक को भी बढ़ा देना है ताकि आपके वीडियो में जो ब्लैक डार्क एरिया होगा वो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। फिर हमें लट स्टोर के अंदर आ जाना है और यहाँ पर टॉप 25 लट में आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे लट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बोला था गूगल अकाउंट से लॉगिन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी आपको लट्स अच्छे लगते हैं उसको हमें फेवरेट के अंदर डाल देना है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लट्स से आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो हमें थोड़ा 15 या 20 मिनट टाइम निकाल के हमें सबसे पहले सारे के सारे जो भी हमें पसंद आते हैं वो सभी लट्स को हमें फेवरेट में डाल देना है। फेवरेट में डालने के लिए कोई भी एक लट के ऊपर डबल टैप क्लिक कर लेना है तो स्टार बन जाएगा। तो स्टार बनने के बाद आपका ये लट होगा वो फेवरेट के फोल्डर में आ जाएगा। तो हमें सिर्फ ट्रेंडिंग में जो भी लट्स चलते हैं, जो भी ट्रेंडिंग में वीडियोस चलते हैं कलर ग्रेडिंग के, वही लट्स को हमें सिलेक्ट कर लेना है यानी कि फेवरेट में डाल देना है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, टॉप 25, मोबाइल अपलोड और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दे के रखे, इसलिए हमें उसको फेवरेट में डाल देना है। और फेवरेट का अलग एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके सारे के सारे आपके फेवरेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना फेवरेट कलेक्शन दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शन पे क्लिक करके ढूंढे, बहुत सारे हैं यहाँ पर मेरे फेवरेट्स के अंदर और सारे के सारे बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कलर ग्रेडिंग, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ अलग अलग वीडियो क्लिप लेके हमें अलग अलग कलर ग्रेड कर लेना है और सेव कर लेना है। सेव करने के लिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर टिक मार्क लगा है, वहाँ पर क्लिक कर लेना है और वीडियो को सेव कर लेना है। सेव हो जाने के बाद हमें सारे वीडियोज को काइनमास्टर में मर्ज करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ जो मैंने एडिट करके रखा है। बीमारी होगा सबका बुरा हाल, तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। फिर दोस्तों हमें काइन मास्टर ओपन करना है और 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें जितने भी वीडियो सेव करके रखे 3D लट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो सारे के सारे वीडियो क्लिप को हमें सिलेक्ट कर लेना है और ले आना है काइन मास्टर के अंदर। फिर दोस्तों सबसे पहले हमें इस सारे वीडियोस के वॉइस डाउन कर लेने हैं, सारा का सारा वॉल्यूम हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हम अलग ही सॉन्ग डालने वाले हैं। तो दोस्तों अब आ जाती है मेन एडिटिंग। तो सबसे पहले हमें पहली वीडियो क्लिप के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर
पहले से ही स्लो मोशन शूट किया है, इसके लिए मैं आगे का पार्ट फास्ट करूँगा। अगर आपके फ़ोन में स्लो मोशन नहीं है तो आप आगे का पार्ट वैसा का वैसा रहने दो और पीछे का पार्ट स्लो कर दो। जैसा कि आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग का पार्ट फास्ट कर दिया और पीछे का पार्ट वैसा का वैसा ही रहने दिया। तो दोस्तों, अब आप आपके हिसाब से और वीडियो के हिसाब से स्लो मोशन और फास्ट मोशन इफेक्ट डाल दो आपके वीडियो के अंदर। सो गाइस, ये लास्ट वाला वीडियो क्लिप है, वो बहुत ही लंबा है, तो यहाँ पर मैं फास्ट स्लो वाली इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो क्लिप को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहला वाला पार्ट है उसको मैं फास्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा। स्पीड बढ़ाने के बाद सेकेंड वाले पार्ट को मैं स्लो का स्लो ही रखूंगा, तो यहाँ पर मेरा वीडियो स्लो मोशन में है तो उसको वैसा का वैसा ही रहने दूंगा। फिर यहाँ पर थर्ड पार्ट को मैं वापस से फास्ट कर दूंगा और फोर्थ पार्ट को यहाँ पर स्लो रखूंगा। सो गाइस, अब आ जाती है ट्रांजिशन इफेक्ट डालने की बारी। तो यहाँ पर एक वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद हमें जो व्हाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक कर लेना है और ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर लेना है। सो यहाँ पर जितने भी मेरे पास ट्रांजिशन इफेक्ट है वो सब के सब मैंने काइनमास्टर के अंदर से ही डाउनलोड किए। अगर आपके काइनमास्टर में नहीं है तो इफेक्ट में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करो और वहां पर नीचे गेट मोर का ऑप्शन होगा, गेट मोर पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो दोस्तों, ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के बाद हमें ट्रांजिशन साउंड डालना पड़ेगा, तभी आपका वीडियो प्रोफेशनली एडिट हुआ ऐसा लगने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये ऑडियो का साउंड दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, यहां पर हमें पीछे वाला पार्ट को कट कर लेना है और ये जो साउंड है हमें यहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट होता है वहां पर ऐड कर लेना है। फिर दोस्तों, हमें इस साउंड को क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके उसका डुप्लीकेट बना लेना है। तो जितने भी हमें ट्रांजिशन इफेक्ट डाले वहां पर हमें सारे के सारे डुप्लीकेट बना के वहां पे ऐड कर लेने हैं। फिर राइट साइड ऑडियो का ऑप्शन दिया है, वहां पर हमें क्लिक करके कोई भी एक सॉन्ग डाल देना है। तो मैं यहां पर तुम ही आना सॉन्ग डालने वाला हूं, क्योंकि ये सॉन्ग यहां पर इस वीडियो में शूट होता है इसके लिए। तो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट। फिर हमें वीडियो को कर लेना है शेयर और सेव कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। वीडियो जरा से भी पसंद आती हो तो जल्दी से लाइक कर देना। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। और दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके जरूर से बता देना। और दोस्तों, हमने मोबाइल वीडियोग्राफी और एडिटिंग के ऊपर बहुत से वीडियो बना के रखे, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो जल्दी से जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ वहाँ पर। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Don't say